और सबसे खास बात है कि ये ना तो कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गूंगे बहरे बच्चों द्वारा स्वरोजगार के लिए किया गया पहल। मत अच्छी बात है, भैया कर रहे हैं, फुल सपोर्ट है इनको, और मैं अपने क्लासमेट्स को भी बोलूंगी यहाँ आने के लिए। अपने लिए रोजगार खोज चुके हैं और सभी को इनसे सीखना चाहिए। मुख बधिर हैं, ये ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। नहीं नहीं है, इनको बस एक बार इशारे करने के तुरंत समझ जाते हैं कि हम लोग को भैया से कुछ सीख लेना चाहिए। अभी हम लोग इनसे इशारों में बातचीत करेंगे, देखेंगे। ये सारे ये खुद बनाते हैं। नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग आपको लेके आए हैं एक स्ट्रीट फूड खिलाने, जो कि वाकई बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। और मैं आपको ये एड्रेस बता दूं कि आज हम लोग आए कहाँ पे हैं। तो ये है जेवियर कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर पे, और यहाँ पे पास में डंगड़ा टोली चौक है, और यहाँ पे इनका एक बहुत ही अच्छा चाट लगता है, पापड़ी चाट। तो आज हम लोग बताएंगे कि ये पापड़ी चाट कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, कितना प्राइस का है, और सबसे खास बात है कि ये ना तो कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गूंगे बहरे बच्चों द्वारा स्वरोजगार के लिए किया गया पहल। मतलब कि इन्होंने स्वरोजगार के लिए ये पहल किया है। तो मुझे लगता है जितने भी आज तक हमने वीडियो किए थे, उससे खास, सबसे खास ये वीडियो है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं नितीश एंड कुजीन परिवार के, वो सारे लोग यहाँ पे जरूर आना, जस्ट बिकॉज इनको सपोर्ट करने के लिए। आइए हम कुछ इशारों से इनसे बातचीत करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इनसे कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश करूंगा, हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना समझ पाते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि इनकी टाइमिंग कितने बजे होती है और इनके चार्ट का प्राइस कितना है, तो ये मुझे कैसे समझाते हैं। तो 4 बजे, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ 4 बजे शाम को आते हैं। और इसका जो एक प्लेट का प्राइस है वो कितना है, 30 रुपया। तो देखा आपने कितने आसानी से ये बातें समझ भी जाते हैं और अच्छे से कम्युनिकेशन भी इनका काफ़ी अच्छा है। ये एक दिन में सब खत्म हो जाता है, आधा हो जाता है एक ही दिन में, और जो कस्टमर हैं वो टेस्ट लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आपको। अच्छा, तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो इनको, इनके खाने, इनके जो चाट है उनको बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही तारीफ मिलती है इनको। तो दोस्तों ये कुछ दिखा रहे हैं इनके मोबाइल पे, और यहाँ पे देखिए इनका नाम है, और इन्होंने दिखाया कि ये अभी 3rd ईयर में है BA में, और शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से, लखनऊ से ये BA कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, और इनका फोटोज़ है इसमें, सारा कुछ है। तो ये साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, और अच्छा इंग्लिश सोशियोलॉजी ये सारे इनके सब्जेक्ट हैं। और तो इशारों में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके, काफ़ी हंसमुख हैं, काफ़ी अच्छे से ये कम्युनिकेट कर लेते हैं, समझा लेते हैं लोगों को अपने इशारों के माध्यम से। तो देखिए ये कैसे बनाते हैं, इनके पास मुझे लगता है ये इमली की कोई चटनी है, और यहाँ पे पापड़ी पे डाल रहे हैं। 30 रुपीस का है, और 7-8 पीसेस हैं इसमें। और ये देखिए इन्होंने आलू डाल दिया है यहाँ पे, आलू ये काट के, बॉइल आलू है वो काट के अच्छे से लेके आए हैं छोटे छोटे, और क्वांटिटी भी अच्छा दे रहे हैं। और देखिए इसमें चना डाल दिया है, और बारीक कटा हुआ प्याज भी ये है यहाँ पे, साथ में टमाटर भी है इनके पास। तो टमाटर आलू प्याज सारा कुछ ये डाल रहे हैं इसमें, ऊपर से ये अभी काला नमक डाल रहे हैं यहाँ पे, ये धनिया की पाउडर मुझे लग रही है, धनिया की पाउडर इसमें ये डाल रहे हैं, और ये रेड चिल्ली पाउडर हल्का सा ये डाल रहे हैं। और यहाँ पे है भाई दही, तो दही जरूर इसमें जाता है अच्छे से। और यहाँ पे कोई धनिए की हरी चटनी दिखाई दे रही है,
तो ये भी इसमें आ गया है। और ये है सेब, तो ऊपर से हल्का गार्निशिंग के टाइप से और काफी खूबसूरत कलर भी आ गया है, आप देख सकते हो। और ये रेडी है और इन्होंने अभी चम्मच डाल दिया और 30 रुपीज का ये है। सो दोस्तों देखो, ये इनका स्टॉल है, यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और इनका नाम है संदीप पाठक। सो दोस्तों यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो कि यहाँ का पापड़ी चाट ट्राई कर रहे हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है, टेस्ट कैसा है और ये क्या बोलना चाहेंगे। तो ये जो क्वांटिटी मिला है 30 रुपया का है, और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है इनका जो पहल है, ये इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आज के युवा जहाँ पे तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं, वहाँ पे इनको इतनी दिक्कत है, मतलब दिक्कत है, अगर हम बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो बहुत बड़ी दिक्कत है वो हमारे लिए। और उसको पीछे करके वो अपना स्वरोजगार के लिए पहल, इनके लिए एक मोटिवेशनल मोटिवेशन है हम सबके लिए कि इतना अच्छा पहल कर रहे हैं और अपने लिए रोजगार खोज चुके हैं, और सभी को इनसे सीखना चाहिए। और 30 रुपये में ये क्वांटिटी आपको, तो और इतना टेस्टी भी है ये, मैं आपको खा के ज़रूर बताऊंगा। बिल्कुल, और ये क्वांटिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली 30 रुपये में। और ये स्टार्ट किया, आप भी आओ, इनको सपोर्ट करो, तो इनका अभी और मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल, जितने लोग यहाँ पे आएंगे, जितना लोग इनको मतलब कि इनको सपोर्ट करेंगे, उतना ही इनका मनोबल बढ़ेगा, ये और अच्छे से इस काम को करेंगे। यहाँ पे एक और भाई है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं, कैसा आपको लगता है, मतलब कि इतना कहते हैं ना कि सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए इस तरीके से ये इन्होंने अपना खुद का स्टॉल लगाया है, आप क्या कहोगे? ये एक इंस्पिरेशन है, लोगों को इससे सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे हम लोगों के एज के जो लड़के होते हैं, वो उनको हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं, पर ये सारी चीज़ों को छोड़ के इन्होंने सोचा और इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। मुझे लगता है पिछले 6 महीने से इनका स्टॉल यहीं पर है, आप खा के बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे और भी जो कस्टमर्स आते हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि इनका और समोसा चाट और रसगुल्ला चाट भी आएगा, और ये अपने इस दुकान को और बड़ा करने वाले हैं, और 4 आइटम ये रखेंगे, ये सारे ये खुद बनाते हैं, ये खुद प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये सारे ये खुद चॉपिंग करते हैं और खुद से ही ये अपना सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस तरीके से, एक नौजवान जो ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ सुन सकते हैं, फिर भी इतने कहते हैं जज्बे के साथ ये डटे हुए हैं, 6 महीना से मैं इनको देख रहा हूँ यहाँ पे ये स्टॉल लगाते हैं और अपना स्वरोजगार इन्होंने शुरू किया है, तो आप क्या, आपके विचार है इसके लिए? देखिए, इनका जो रोज़गार है काफ़ी अच्छा है, इधर उधर घूमने से अच्छा है कि अपना रोज़गार कर लिए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुख बधिर हैं या ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो इनका जो रोज़गार इन्होंने किया ये बहुत अच्छा व्यवसाय चुना है, और इसमें अपने मन के साथ साथ दूसरों को भी खुश करते हैं। ये आपका अगर मन लगे कि हमें पापड़ी चाट खाना चाहिए, तो आप आइए एक बार आ करके और यहाँ पे टेस्ट आप देखिए कैसा है। अच्छी बात है, ये भैया कर रहे हैं, फुल सपोर्ट है इनको, और मैं अपने क्लासमेट्स को भी बोलूँगी यहाँ आने के लिए, सारे सपोर्ट करेंगे इनको। लगता है सबसे पहले भैया बात करेंगे टेस्ट का, टेस्ट जो है वो वाकई बहुत बढ़िया है, और भैया जो 30 रुपया में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मतलब बहुत बढ़िया है, 30 रुपया के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले, मोटिवेशन भी है कि हम लोग को भैया से कुछ सीख लेना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है, और काफ़ी तो यहाँ पे रेगुलर वाले कस्टमर्स हैं। यहाँ पे एक मैम है, हेलो मैम। तो ये जो चाट है, आप चाट का टेस्ट आपने किया है पहले यहाँ पे? जी हाँ। तो आपको अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा है यहाँ का? बहुत ही अच्छा टेस्ट है यहाँ पे का, और मेरे को लगता है यहाँ पे कोई ऐसा बनाता नहीं है, ये सबसे अलग डिफरेंट टाइप से बनाते भी है। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे आती हैं, इनको जब बताती हैं, तो क्या आपको दिक्कत होती है इनको समझाने में, क्या या समझ जाते हैं? नहीं नहीं, इनको बस एक बार इशारे करने के तुरंत समझ जाते हैं, और बहुत ही अच्छे से बात भी कर लेते हैं। और आपको क्या लगता है, ये एक जो पापड़ी चाट दे रहे हैं वो 30 रुपए की है, 30 रुपीज की, तो वो जो प्राइस है और वो जो क्वांटिटी है और टेस्ट है वो जस्टिफाई है, मतलब सही है? हाँ, एकदम सही है वो। दोस्तों अभी मेरे पूरा फोकस इनका टेस्ट पे है,
कि इनका टेस्ट वाकई है कैसा। मैं जेन्युइनली बात करूंगा और मुझे जो फील होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मुझे अगर थोड़ा सा भी इनका टेस्ट लगा कि और इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं टेस्ट करता हूं। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट है वाकई बहुत अच्छा है। इसमें इन्होंने प्याज डाला है, टमाटर डाला है, बारीक कटा हुआ आलू है, दही है, हरी चटनी है और इमली की चटनी है, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और 30 रुपया जो कि इसका प्राइस इन्होंने रखा है, मैं बता दूं आपको कि 30 रुपया में इतना अच्छा पापड़ी चाट शायद ही कहीं मिलेगा। इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है और जितने भी लोग आते हैं इशारों में इन्हें समझाते हैं, इशारों में बातचीत करते हैं और बड़े आराम से ये समझ भी जाते हैं। तो हम लोग भी इनसे चाहेंगे कि हम लोग आप तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप जरूर आएं और यहाँ का पापड़ी चाट जरूर ट्राई करें।